Hey guys, assalamu alaikum to my all lovely viewers. I hope you all are doing well. So bhai, if you all are new here in my channel, then I welcome you all. Let me introduce myself to you all. I am Maarufa Nawaz Ahmed and I used to make traveling vlogs. Friends, aap logo ko malum hai ki bhai Ramzan is going on and I know ki Ramzan chal raha hai, to meri beauties jo hai wo log marketing karne mein peeche to nahi rahengi. To aap logo ke liye main alag se ek video lekar aayi hu, jisme aap log abhi dekh sakte ho pura entire jewelry collection of our new market street shop. To isme aap देख लो, मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाना शुरू करती हूँ. ये वाला जो स्टॉल आप लोग पर्टिकुलरली देख रहे हो ना, इसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ एडी स्टोन वाला ही ज्वेलरीज देखोगे. स्टार्टिंग प्राइस मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स कि स्टार्टिंग प्राइस जो है ना वो 50 रुपीज़ से हो जाता है. आई मीन टू से अगर आप एक फिंगर रिंग लेते हो एडी स्टोन वाला, तो वो आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है. वैसे अगर आप ऐसा वाला इयरिंग्स एंड नेक पीस के साथ में सेट पूरा लेना चाहती हो, तो भैया 150 रुपीज़ बताएंगे दाम, और हो सकता है कि 10-20 रुपीज़ कुछ कम कर दे. वो तो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितने अच्छे बार्गेनर हो. सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल कैन सी कि यहाँ पे सिर्फ वाइट स्टोन वाले ज्वेलरीज ही नहीं अवेलेबल है, बल्कि यहाँ पे कलरफुल एडी स्टोन वाले ज्वेलरीज भी हैं. और 150 रुपीज़ में आपको ऐसे सेट मिल जाएंगे. और अगर आप सिर्फ इयरिंग्स ढूंढ रही हो ना, तो वो आपको 100 रुपीज़ करके ईच पड़ेगा. जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्टड्स रखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल. कैमरा ऊपर करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स. ये देखिए यहाँ पे फिंगर रिंग्स भी काफ़ी सारे रखे हुए. एडी स्टोन वाला जो फिंगर रिंग होता है ना, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होता है, ठीक है. आगे बढ़ने पर ना फ्रेंड्स, मेरी नज़र पड़ी है इस वाले स्टॉल में, और आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रिटी प्रिटी सा लॉन्ग इयरिंग्स का कलेक्शन है यहाँ पे. प्राइस अगर पूछोगी ना फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, कोई का प्राइस 100 रुपीज़ है, कोई 150 रुपीज़ का है, कोई 200 रुपीज़ का भी है. नाउ कमिंग टू दी अनदर सेक्शन फ्रेंड्स, आप लोग देख सकती हो कि यहाँ पे कोरियन स्टोन वाले ज्वेलरीज भी रखे हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है. मैं आप लोगों को वन बाय वन करके हटा कर दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक बार अच्छे से जायज़ा मिल जाए कि वहाँ कोलकाता के हमारे न्यू मार्केट स्ट्रीट शॉप में कैसे इयरिंग्स अवेलेबल है. ब्यूटिफुल, आप लोग देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा कलरफुल इयरिंग्स. मुझे एक इयरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हो ये वाला कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल. उसका प्राइस भैया ने बताया है 200 रुपीज़, और लेने से शायद 150 तक दे दें. इयरिंग्स के बाद ना भारी आती है फ्रेंड्स फिंगर रिंग्स की. तो मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा फिंगर रिंग्स का कलेक्शन दिखा रही हूँ. और ये मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ फिंगर रिंग्स के सामने में ही एक नोज़ पिन का भी पूरा बॉक्स रखा हुआ है. यार पहले तो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था हमारे कोलकाता के न्यू मार्केट के स्ट्रीट शॉप में ये नोज़ पिन वगैरह, लेकिन अभी ना देखने को सारा चीज़ ही मिल जाता है. तो आप लोग देख सकते हो यहाँ कितने अलग अलग डिज़ाइंस के फिंगर रिंग है. स्टार्टिंग प्राइस मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स, फिंगर रिंग का 20 रुपीज़ से शुरू हो जाता है, और 150 रुपीज़ तक का फिंगर रिंग यहाँ पर मौजूद होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है. मार्केट के स्ट्रीट शॉप में ना 4-5 तो आपको ऐसे स्टॉल मिल ही जाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप एडी स्टोन वाले ज्वेलरीज ही देखोगी. अगर आपको बड़े वाले इयरिंग्स चाहिए, लॉन्ग इयरिंग्स या फिर कोरियन ज्वेलरी वाला इयरिंग्स चाहिए, तो उसके लिए दूसरा स्टॉल है. मैं अभी आगे जाऊंगी तो आप लोगों को वहां का भी पूरा वीडियो दिखा दूंगी. फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने अलग अलग वीडियोस अपने चैनल पर बनाकर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आप लोग पूरा अलग से फुटवेयर के कलेक्शन को देख सकते हो हमारे कोलकाता के न्यू मार्केट का, प्लस बैग्स का भी अलग से पूरा मैंने कलेक्शन बनाकर अपलोड किया है अपने चैनल पर. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो यार मैं अपने उस वाले वीडियोज़ का जो लिंक है ना, अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग जाकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा.
फिंगर रिंग्स का तो स्टार्टिंग प्राइस मैंने आप लोगों को बता दिया है फ्रेंड्स। अब बारी आती है ईयर रिंग्स की, तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे कोलकाता के न्यू मार्केट के स्ट्रीट शॉप में ना ईयर रिंग्स जो है ना वो 20 रुपीज से मिलना शुरू हो जाता है, और वेराइटीज़ एंड डिज़ाइंस इतने सारे होते हैं ना कि इसका प्राइस जो है ना 1200 रुपीज तक की जाता है। वीडियो जो है ना फ्रेंड्स थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे कोलकाता का जो न्यू मार्केट है कितना ज़्यादा बड़ा है, प्लस वहाँ का ज्वेलरी कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं जितना भी आप लोगों को दिखा सकती हूँ अपने वीडियो के जरिए दिखा रही हूँ। आई रिक्वेस्ट यू ऑल के स्किप करके मेरे वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को मेरे वीडियो के जरिए वो वाला इयररिंग या वो वाला ज्वेलरी देखने को मिल जाए जिसकी आप तलाश में हो। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखना अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स मार्केट्स वगैरह का, तो मेरा जो चैनल है ना वो आप लोगों के मतलब के, आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आई थैंक टू यू ऑल। एक छोटा सा बेल आइकन होता है कोने में, उसमें ऑल पर्सनलाइज एंड नन भी बोलकर लिखा आता है, आपको ऑल में टिक मार्क करना है ताकि आप लोगों को मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भाई ईयरिंग्स और सेट वगैरह दिखाने के बाद में अब बारी आती है चेन की। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे डिफरेंट पैटर्न की चेन्स रखे हुए हैं, वेस्टर्न वेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है, और इन सब का कीमत जो है ना 100 रुपीज़ से शुरू हो जाता है। ऐसे बैंगल्स भी मिलेंगे, ये जो सारे आप लोग बैंगल्स देख रहे हो ना 100 रुपीज़ के हैं, ठीक है ईच। आगे बढ़ने पर ना फ्रेंड्स मेरी नज़र पड़ी है इस वाले स्टॉल में, ऐसे बहुत सारे स्टॉल आपको न्यू मार्केट में मिल जाएंगे जहाँ पर आप लोकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स देख सकते हो। मैं आप लोगों को अलग से एक दिन वीडियो बना के उसका भी दिखा दूंगी, फिलहाल ये ज्वेलरी कलेक्शन का वीडियो है तो आप लोग ज्वेलरी कलेक्शन इन्जॉय करो। तो ये जो सारे आप लोग ईयरिंग्स देख रहे हो ना ओनली इन ₹30 अवेलेबल है हमारे कोलकाता के न्यू मार्केट में, ठीक है आप लोग देख लो, बड़ा लो या छोटा लो, ऐसे स्टॉल से आपको ₹30 में ईजिली ईयरिंग्स जो है ना मिल जाएंगे। मार्केटिंग जो है ना वो ऑन है ज़ोरों शोरों से, और आप लोगों को मालूम है कि हमारे कोलकाता का जो न्यू मार्केट है वो कितना ज़्यादा चहीता मार्केट है हम सभी के लिए। दुर्गा पूजा हो या फिर दिवाली हो या फिर ईद हो, हम लोग सारे जो है ना प्रेफर करते हैं हमारे कोलकाता के न्यू मार्केट से ही ख़रीदारी करना, क्योंकि हमारे कोलकाता का जो न्यू मार्केट है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी सामान मिलता है, आप लोग देख ही सकते हो फ्रेंड्स। ईयरिंग्स का तो कलेक्शन का क्या कहना फ्रेंड्स, आप एक खरीद करना सबर ही नहीं कर सकती हो, एक खरीदोगी तो दूसरा खरीदने का मन होगा, दूसरा खरीदोगी तो तीसरा खरीदने का मन होगा। आप लोग देख सकती हो यहाँ पे कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और खूबसूरत सा कलेक्शन है हमारे कोलकाता के न्यू मार्केट में। Thank you.
टू शो यू ऑल वन थिंग, ये देखिए, ये पर्सनली जो लॉकेट विद चेन है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि इसको एविल आई के नाम से बेचा जा रहा है, मतलब कि नज़रेबद से बचने वाला लॉकेट, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये तो कोई और ही चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है जो मुझे कतई गवारा नहीं है। तो अगर आप लोग भी मेरे जैसे सोच वाले हो तो इसको ख़रीदने से थोड़ा यू नो परहेज़ ही कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को हमारे कोलकाता के न्यू मार्केट के स्ट्रीट शॉप का सारा ज्वेलरी कलेक्शन दिखा दिया है। अब आगे की तरफ आ गई हूँ और आप लोगों को यहाँ पर कभी वीडियो दिखाना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्वेलरीज ही मिलते हैं हमारे कोलकाता के न्यू मार्केट के स्ट्रीट शॉप में, बल्कि यहाँ पर तो आपको बहुत सारे ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे जो कि लोकल ब्यूटी ब्रांड्स के होते हैं। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को मेरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं फ्रेंड्स, आई थैंक टू यू ऑल। एक छोटा सा बेल आइकन भी होता है, उसको भी ज़रूर हिट कर लिया कीजिए ताकि आप लोग मेरे कोई सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन को मिस ना करें। अब मैं आप लोगों से बहुत जल्द मिलूंगी दूसरे एक और अच्छे वीडियो के साथ में। ईद की मार्केटिंग ऑन है फ्रेंड्स, जितना जल्दी हो सके जाइए ईद मार्केटिंग कीजिए, अब तो टाइम भी नहीं बचा है। हैप्पी रमदान 2022 वंस अगेन। अपना ख्याल रखिएगा, रोज़ा रखते रहिए, अल्लाह को याद करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।